हूँ, ये लाजपत नगर में। एंड मैंने अभी जो कैमरा देखा है वो है SJ Cam 6 Legend, क्योंकि तो आपको एक बार कैमरा दिखाता हूँ। ये कैमरा है SJ Cam 6 Legend एंड इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है, टच स्क्रीन, 30 मीटर्स तक इसका वो है। एंड ये है इसका स्पेसिफिकेशन। एंड इसका ये रहा एक्सटर्नल माइक। तो एक और एक ऑप्शन है SJ Cam 4000 वाईफाई। ये GoPro उनके लिए जो बिल्कुल बिगनिंग कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, बट इसमें एक्सटर्नल माइक नहीं है। एंड ये इसके कुछ स्पेक्स हैं, आप पॉज करके देख लेना वीडियो। एंड जो मेरे को पसंद आ रहा है वो ये है SJ Cam 6 Legend, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल माइक भी है। ये रहा इसका एक्सटर्नल माइक। एंड इसमें 4K है एंड इसमें 2K है, और इसमें फीचर ज़्यादा है, इसमें वो टच वाला नहीं है। तो इन दोनों में से ही मैं कोई लूँगा। सो गाइज, ये वाला मैंने फाइनल कर लिया है SJ Cam 6 Legend। इसके साथ एक एक्सटर्नल माइक, ये तीन चीज़ ले लेते हैं। एंड कुछ भी कैमरा एक्सेसरीज चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत कुछ है दुकान में। एंड ये स्टैंड, कैमरा, ये सब बहुत सारे ब्रांड हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिनको प्रोफेशनल बिल्कुल कैमरा चाहिए तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे बेस्ट कैमरा भी व्लॉगिंग के लिए ये वाला है सोनी। एंड ये सारे हैं, बहुत चीज़ें यहाँ पे, बहुत चीज़ें, एक्सेसरीज किसी को भी चाहिए हो कैमरा की, बैग्स, ये सारे बैग्स अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे भी है, ट्राईपॉड अवेलेबल है। घर जा रहा हूँ यहाँ से, एंड घर जाके मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला एंड कैसी इसकी वीडियो क्वालिटी वगैरह है। वो तो आगे जो ब्लॉग्स आएंगे वो आप देखोगे ही। आप चाहते हो मोटो ब्लॉगिंग के वीडियो ज़्यादा डालूँ या जो भी आपकी प्रेफरेंस है, तो प्लीज़ वो आप मेरे को कमेंट में लिख के देना। एंड मैं आपको अब मिलता हूँ घर पे, वहाँ पे अनबॉक्स करके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ जो जो मेरे को बॉक्स के अंदर मिली है। 2000 years later. सो गाइज, मैं घर पहुंच गया हूं, अभी भी जस्ट पहुंचा हूं लाजपत नगर से, अपना कैमरा लेके मैं आ गया फाइनली। मैं बहुत टाइम से इसकी वेट कर रहा था क्योंकि मैंने सोचा था मैं स्टार्ट करूं नहीं करूं, स्टार्ट करूं नहीं करूं, एंड तब तक मैं वीडियोस बनाता रहता था। एंड फाइनली मैंने पैसे सेव करके अपने मैंने ये कैमरा ख़रीदा है, जो कि मैं आपको अपने वीडियो में तो देख लिया होगा। अभी मैं बस आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स के अंदर मेरे को क्या क्या मिला। गाइस, ये रहा कैमरा SJ Cam SJ 6 Legend है ये। एंड इसके अंदर एक तो हमें फीचर मिलता है कि 30 मीटर्स तक वाटर रेजिस्टेंट है, टच वाली है, जायरो स्टेबिलिटी एंड 4K डेफिनेशन का इसका कैमरा है। ये इसका कुछ स्पेक्स हैं, आप पॉज करके देख लेना वीडियो में। एंड ये कुछ इसके अंदर जो मेरे को मिला है बॉक्स के अंदर, ये वो लिखा हुआ है कैमरा केस, ये माउंट, वो मैं आपको सारा खोल के दिखाता हूँ। सो गाइस, ये रहा, मैंने अनबॉक्स कर लिया है। एंड ये रहा कैमरा, ये भी इसके जो केसिंग है वो उसके अंदर है। एंड ऐसी कुछ इसकी केसिंग है, मैं इसको ओपन करता हूँ। एंड केसिंग को साइड में रखते हैं, साइड में रखते हैं। ओह, ये है कैमरा। एंड ये रहा इसका ऑन ऑफ बटन, ये इसका सेटिंग वाला, ये बैटरी का स्लॉट जो है, ये अगर आपको ट्राईपॉड के साथ लगाना है तो ये रहा। एंड ये रहा इसका मेमोरी कार्ड का स्लॉट, USB जिसमें आप एक्सटर्नल माइक वगैरह लगा सकते हो, स्पीकर। एंड ये है कुछ ऐसे दिखने में, मैं इसको अब ऑन करके आपको दिखाता हूँ।
ये है कुछ इसकी क्लैरिटी एंड ये टच है, ये मैंने फ़ोटोज़ वाले पे रखा हुआ है। तो ये इसमें कुछ मोड्स हैं, तो ये इसमें कुछ मोड्स हैं कैमरा के अंदर, वीडियो, वीडियो लैप्स, स्लो रिकॉर्ड, स्टिल आपका फ़ोटो खींच निकले है, फ़ोटो लैप्स, बर्स्ट, वीडियो प्लस फ़ोटो, कार मोड, अंडर वाटर, ये सब आपके कुछ इसमें सेटिंग्स हैं। एंड ये जो अभी मैं इसको 4K में चला रहा हूँ, एक मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स, रेजोल्यूशंस में जाके 4K 24 फ्रेम पर सेकंड पे है अभी। 2K पे भी जैसे आपको शूट करना है वो आप कर सकते हैं सेटिंग यहाँ वो करके। तो ये था कुछ कैमरा, अब मैं इसको रखता हूँ साइड में, अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स में क्या मिला है मेरे को। तो ये जगह पे एक एक क्लॉथ वो लेंस साफ करने के लिए, सेकंड ये कुछ माउंट है, एंड ये वायर चार्ज करने के लिए GoPro, एंड ये है लेंस कवर इसका, आप जो ऐसे लगा सकते हो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो मिट्टी विट्टी ना पड़े। एंड इस तरफ आता है हमारा SD Cam का मैनुअल, एक्स्ट्रा केसिंग का जो कवर होता है कि बाय चांस आपका ये ढीला हो जाए तो आप उसको रिप्लेस करके ये वाला लगा सकते हो। ये कुछ एंड ये रहा ये हैंडल वगैरह के लिए, जैसे आपको साइकिल वगैरह कहीं पे भी किसी भी हैंडल पे लगाना है तो ये लगा दो। ये रहे कुछ और माउंट्स, ये तो सारे माउंट्स हैं इसके अंदर। एंड ये है The next day. So guys, ये है कुछ माउंट जो मैंने मंगाया है, एंड इसके पैकेट के अंदर एक वैसे थैंक यू फॉर परचेजिंग आ प्रोडक्ट का ये है, और एक ये है, मैं इसे खोलता हूँ। तो ये है कुछ प्रोडक्ट माउंट जो हेलमेट पे लगेगा, एंड ये हेलमेट के ऐसे ही लगता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो स्ट्रैप है उसको बंद करना होता है टाइट करके, ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा, मैं फिर आपको दिखाऊंगा। एंड इसके साथ ये जो मिलता है वो मिला है, इसको ऐसे करके हम टाइट कर देंगे। इसमें जी माउंट पहले से ही लगा हुआ है, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना GoPro अटैच करो और लगा दो। तो मैं इसको एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ हेलमेट पे। सो गाइस, फाइनली ये मैंने माउंट कर लिया, ये कुछ ऐसे लगा है, एंड ये रबड़ ये अच्छे से पूरा टाइटली बैठ गया। एंड इस पर अब ऐसे GoPro लगा के इसको पहले हटाएंगे, ये जो है इसको ये दोनों के बीच में, तो इसको कुछ हम ऐसे माउंट करेंगे। मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ, ये GoPro ऐसे लेके नीचे से इसको हम ये देखो, फिर आप इसको ऐसे पोजीशन पे सेट करके ये बस ऐसे आपको टाइट कर देना है, कुछ ऐसे लुक आएगी इसकी पूरा लग के। एंड उसके बाद आप पूरा माइक का स्लॉट यहाँ लगा के पैडिंग के अंदर लगा सकते हैं। सो गाइस, बस यही था इस वीडियो में, एंड मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ।
एंड टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड मेरे प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. Another one. रखें. ओके बाय बाय.